बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टीशोमेट्री और स्टैकोमेट्री। ये जो लफ्ज़ स्टीशोमेट्री है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ल्ड, स्टीशन एंड मेट्रॉन। जो लफ्ज़ स्टीशन है स्टूडेंट्स, का मतलब है रेशो और एलिमेंट्स, या हम उसे मुकम्मल अगर लिखें तो रेशो ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं। और स्टूडेंट जो मेट्रॉन है, इसका मतलब है टू मेजर और टू कैलकुलेट। यानी स्टीशोमेट्री का ओवरऑल मतलब ये हुआ रेशो बेस्ड कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट टॉपिक है स्टीशोमेट्री, स्टीशन यानी रेशो ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स, मेट्रॉन टू मेजर आर टू कैलकुलेट। तो इसका ओवरऑल स्टूडेंट मतलब है रेशियो बेस्ड कैलकुलेशंस। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे बी रिचर। इस टर्म को, स्टीशोमेट्री को, इस ब्रांच को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कराया वह है जे बी रिचर। कब? इन 1792, 1792 में इस टर्म का तारुफ हुआ। और फ्रेंड इसकी डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड आवर प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फ्रेंड्स सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा था व्हाट इज स्टोइकोमेट्री, गिव इट्स बेसिक अजम्पशन। भाई इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच का उसूल क्या है, इसका अजम्पशन क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगी? तो स्टूडेंट्स का बेसिक अजम्पशन है, पहला, ऑल द रिएक्टेंट्स कंप्लीटली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज हो जाना चाहिए। नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, और कोई साइड रिएक्शन भी टेक प्लेस नहीं करना चाहिए ताकि हमारे रिएक्टेंट्स वगैरह जाए नहीं होने चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है, ये ब्रांच कहती है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम रिएक्टेंट हैं तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम ही बनने चाहिए। अगर हमारे पास 10 ग्राम रिएक्टेंट हैं तो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम ही बनने चाहिए। यानी ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टूडेंट जब हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हवाले से कैलकुलेशन करते हैं तो उस वक्त स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे होते हैं। इन दोनों को हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे होएगा? मश में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट यहां पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बढ़ता है ना घटता है, बल्कि वो स्टूडेंट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा। यानी रिएक्टेंट वाली फॉर्म से किस में तब्दील हो जाएगा? प्रोडक्ट वाली फॉर्म में। या यूं भी कह सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यानी यूं कह सकते हैं कि ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितने ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट के थे, प्रोडक्ट के भी उतने ही ग्राम बनने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 2H2+O2 विल चेंज इनटू 2H2O। यानी 2 मोल हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल वाटर बना रहे हैं। 2 मोल वाटर का मास कितना है? 36 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास कितना है? 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट स्टूडेंट कितना है? 36 ग्राम, 36 ग्राम। यानी ये 36 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट मिलकर 36 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ही है या स्टीशोमेट्रिक कैलकुलेशन है जिसके दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है। मास ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है,
बल्कि कांस्टेंट है। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना स्टूडेंट किसका मास है, प्रोडक्ट का मास है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, CO2 बना रहे हैं। तो 12 ग्राम कार्बन के और 32 ग्राम ऑक्सीजन के मिलकर टोटल 44 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट एक मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक मोल CO2 का मास कितना स्टूडेंट 44 ग्राम है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितने ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट है उतने ग्राम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा सुनिए, ये तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा स्टूडेंट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ये लॉ बिल्कुल सिंपल है, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, भाई एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आर कंबाइंड, एक दूसरे से मिले हुए हैं टुगेदर फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके मास की निस्बत फिक्स है। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर आप उनके मास की निस्बत चेंज कर देंगे तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास दो कंपाउंड हैं, एक है H2O जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, और एक स्टूडेंट हमारे पास है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें भी स्टूडेंट हमारे रिएक्टेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट गौर करें तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास यहाँ पर स्टूडेंट 16 ग्राम है, यानी 2:16 है, और सादा निस्बत निकालें तो 1:88 बन रहा है। तो इसका मतलब है जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय मास 1:8 मिलेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट ये 2:32 की निस्बत या 1:16 के हिसाब से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। यानी देखें स्टूडेंट, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो 1:8 है तो वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, रिएक्टेंट सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और यहां पर भी स्टूडेंट रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है लेकिन क्या है 1:16 है। यानी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट की निस्बत है वो हमेशा फिक्स रहेगी, आप निस्बत को चेंज करेंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। यानी इस निस्बत को आप लोगों ने स्टूडेंट अगर चेंज किया 1:16 कर दिया तो वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि किसकी होगी, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम कुछ रिलेशनशिप देखेंगे स्टोइकोमेट्री के अंदर। सबसे पहला रिलेशनशिप है स्टूडेंट मास मास रिलेशनशिप। तो इसका स्टूडेंट मतलब ये है, इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस, यानी अगर स्टूडेंट हमें एक सब्सटेंस का मास दिया जाए तो हम दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा रिलेशन है स्टूडेंट मोल मोल रिलेशनशिप, यानी इसका मतलब स्टूडेंट यही है, इफ वी नो द मोल ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैलकुलेट द मोल ऑफ द अदर सब्सटेंस, अगर हमें एक सब्सटेंस के मोल दिए जाएं तो हम दूसरे के मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा रिलेशन है मास मोल रिलेशनशिप या मोल मास रिलेशनशिप, यानी अगर हमें सब्सटेंस का मास दिया जाए तो हम किसी दूसरे सब्सटेंस के मोल मालूम कर सकते हैं, अगर किसी सब्सटेंस के मोल हमें गिवन हो तो हम किसी दूसरे सब्सटेंस का मास को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे रिलेशन है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी अगर हमें इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अदर सब्सटेंस, या उसे हम नाम दे सकते हैं वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, यानी अगर हमें किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम पता हो तो हम गैसियस फेज में किसी दूसरे सब्सटेंस का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमें मोल का पता हो तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम का पता हो तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टूडेंट दो मिसालें लिखी हैं, इन मिसालों को पढ़ते हैं। यानी मिसाल के तौर पर इक्वेशन बता रही है, अगर इसके 2 मोल कंज्यूम हो, हाइड्रोजन के स्टूडेंट अगर 2 मोल कंज्यूम हो और ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम हो तो ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करते हैं, और कितने मोल वाटर बना जाएंगे, 2 मोल वाटर। यानी अगर सवाल पूछा जाए कि 2 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितने मोल वाटर बना सकती है, यानी कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना सकती है, तो स्टूडेंट इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन कर सकती है। यानी इसको आप मोल मोल रिलेशनशिप कह सकते हैं। या स्टूडेंट अगर मैं कह दूं हाइड्रोजन का मास स्टूडेंट यहाँ पर 4 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास स्टूडेंट यहाँ पर 32 ग्राम है, तो इसका मतलब है 4 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करके 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन कर सकती है। यानी अगर हमें इसका मास दिया जाए तो हम इसके मोल मालूम कर सकते हैं, अगर इसका मास दिया जाए तो इसके मास भी मालूम कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, इसके 4 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ इसके स्टूडेंट कितना 36 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन हो सकती है।
इक्वेशन स्टूडेंट हमें बता रही है इसके दो मोल कंज्यूम हो तो इसका एक मोल कंज्यूम होगा, और जब दो मोल हाइड्रोजन और एक मोल ऑक्सीजन आपस में कंप्लीट तौर पर रिएक्ट करें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, इक्वेशन बता रही है कि इसके दो मोल प्रोड्यूस होंगे, यानी हमें पता होना चाहिए। अगर मास दिया जाए तो मोल मालूम कर सकते हैं, मास दिया जाए तो मास मालूम कर सकते हैं, अगर मोल दिए जाए तो आप मोल भी मालूम कर सकते हैं, मोल से आप मास भी स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक और इक्वेशन है, N2 प्लस 3H2 विल चेंज इनटू 2N3। इक्वेशन स्टूडेंट बता रही है अगर इसका एक मोल कंज्यूम हो और इसके तीन मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो तो Na3 के स्टूडेंट कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, दो मोल प्रोड्यूस होंगे। यानी इसको आप कह सकते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। यानी अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, भी दो मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन के कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें और दो मोल जो है ना अमोनिया बनाए, तो सीधा आंसर यही है कि एक मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करना चाहिए। इसी तरह सुन अगर मास की बात करें तो नाइट्रोजन का मास यहां पर स्टूडेंट कितना है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे कि वो कितना बना जाए, तकरीबन स्टूडेंट 34 ग्राम Na3 बना जाए। यानी अगर इसके 28 ग्राम कंज्यूम हो तो इसके 34 ग्राम बन रहे, तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम कंज्यूम हो रहे हैं, तो स्टूडेंट हमें उसके जो है ना 3 मोल, चूंकि इक्वेशन बता रही है कंज्यूम हो रहा है, और 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब स्टूडेंट उसका मास कितना होगा, 6 ग्राम होगा। तो स्टूडेंट यहां पर 6 ग्राम जो है ना हाइड्रोजन के कंज्यूम होकर जो है ना 28 ग्राम N2 के साथ इसके 6 ग्राम कंज्यूम होकर 34 ग्राम किसके स्टूडेंट प्रोड्यूस होंगे, Na3 के प्रोड्यूस होंगे। अच्छा स्टूडेंट अगर आप ST पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर बात करें तो हमारे पास जो 1 मोल अमोनिया है, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम कवर करती है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, मोलर वॉल्यूम यानी इसकी वैल्यू है स्टूडेंट 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर इसके 22.414 यानी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है, अगर इसका इतना वॉल्यूम स्टूडेंट जो है ना रिएक्ट कर रहा है, इतना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो Na3 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 2 मोल का वॉल्यूम जो है ना मोलर वॉल्यूम का 2 टाइम हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 2 × 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा अगर आप लोगों से स्टूडेंट ये सवाल पूछा जाए कि अगर हाइड्रोजन इसका अगर 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका वॉल्यूम अगर इतना है टोटल वॉल्यूम में 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, तो हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम कवर करेगी, तो स्टूडेंट हाइड्रोजन 3 मोल है और 3 मोल गैस का वॉल्यूम जो है ना क्या होगा स्टूडेंट 3 × मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम से मुराद 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। यानी अगर स्टूडेंट यही बात हो रही है कि अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया जाए तो मास मालूम कर सकते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस का अगर किसी के मोल दिए जाएं तो उसके मोल भी मालूम कर सकते हैं, मोल से मास, मास से मोल, मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल, मास से वॉल्यूम और वॉल्यूम से मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट दो और हमने शॉर्ट टर्म में लिखी हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट में। पहले टर्म स्टूडेंट मोलर मास, इसे हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअल में है मोलर मास यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये एक मोल सब्सटेंस के मास को हम स्टूडेंट मोलर मास कह सकते हैं, या अगर उसकी डेफिनेशन करें तो हम लिख सकते हैं व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, किसी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब इसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अब उनका जो मास होगा मोलर मास कहलाएगा। मसलन स्टूडेंट सोडियम है, 1 मोल सोडियम का मास है 23 ग्राम, और मोलर मास का ताल्लुक स्टूडेंट हमेशा ग्राम से होता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास है H2O, 1 मॉलिक्यूल वाटर का मास, 1 मॉलिक्यूल का मास 18 AMU होगा,
लेकिन अगर एक मोल जो है ना मालिक्यूल ऑफ H2O की बात करेंगे तो ये स्टूडेंट 18 ग्राम हो जाएगा। ये जो 18 ग्राम है ये एक्चुअल में एक मोल वाटर मालिक्यूल का मास है, यानी मोलर मास है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड के हवाले से बात करें तो इसका मास कितना है 58.5 ग्राम, यानी 58.5 ग्राम का मतलब है एक मोल सोडियम क्लोराइड, यानी फार्मूला यूनिट्स हैं उनके मास का मजमुआ है 58.5 ग्राम। और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एम से, मोलर वॉल्यूम। इसकी स्टूडेंट वैल्यू है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। डेफिनेशन सिंपल सी है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर एक मोल आइडियल गैस जो वॉल्यूम कवर करती है उसको स्टूडेंट हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, या प्रेशर स्टूडेंट कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यानी आप कह सकते हैं कोई भी गैस हो अगर वो एक मोल है, जैसे स्टूडेंट 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम हमारे पास मीथेन है और 44 ग्राम CO2 है, तो 2 ग्राम या 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब एक मोल है, 16 ग्राम मीथेन का मतलब एक मोल है और 44 ग्राम CO2 का मतलब स्टूडेंट एक मोल है। एक मोल कोई भी गैस हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं एक मोलर वॉल्यूम, उसे हम स्टूडेंट नाम दे रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट ये हमारे पास गैसेज तो डिफरेंट है लेकिन फिर भी इनका जो वॉल्यूम है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, तो उसकी रीजन सिंपल ये है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सब में सेम है। एक मोल कोई भी गैस हो, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। जब ये स्टूडेंट ये पार्टिकल की तादाद बराबर है तो स्टूडेंट साफ ज़ाहिर है वॉल्यूम भी क्या होगा बराबर होगा। चूंकि स्टूडेंट अगर आप जरा गौर करें जो हमारे पास मीथेन है ये 2 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, मासेज बेशक डिफरेंट है, मासेस बेशक डिफरेंट है, इसका 16 ग्राम इसका 2 ग्राम है, इसका स्टूडेंट 44 ग्राम है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी क्या स्टूडेंट जो है ना 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है। उसकी रीज़न ये है कि जो मास है सब्सटेंस का वो जो है ना वॉल्यूम पर असरअंदाज नहीं हो रहा। तो आज का लेसन स्टूडेंट यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।